हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। और एक्सेस में ऐसी दिक्कत आपको भी आई होगी या आने वाली होगी। अगर आप नए यूजर होंगे तो जरूर आएगी ऐसी दिक्कत। और अगर आज की है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये एक्सेस में सबसे पहले ये हमने एक नया टेबल बनाया है। और टेबल में डेटा टाइप क्या रखे हैं जरा देखिए। आईडी को रखा, ऑटो नंबर इसे प्राइमरी की बनाया है, जनवरी नाम की एक फील्ड डाली है और उसका डेटा टाइप करेंसी रखा है। इसमें हम फीस एंटर करेंगे और फिर फरवरी मार्च और भी आ सकता है नीचे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये 2007 की पोजीशन है, जरा देखिएगा। अब यहाँ पे जनवरी में फीस एंटर हुई है, फरवरी में एंटर हुई है, मार्च में एंटर हुई है आईडी नंबर वन में। फिर आईडी नंबर टू में जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में नहीं है। आईडी नंबर थ्री में जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है, लेकिन मार्च में है। आईडी नंबर फोर में जनवरी में है, फरवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है। अब इसके लिए हमको इनका टोटल करना है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ से एक क्वेरी बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पर इस टेबल को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्लोज करेंगे और यहाँ पे तीन ही फील्ड की जरूरत है, आईडी की तो जरूरत ही नहीं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो हम बनाएंगे, यानी कि टोटल फीस के नाम से एक फील्ड में यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ये क्वेरी का नाम डाल देता हूँ टोटल फीस, ठीक है। तो ये टोटल फीस हो गया। अब ये क्वेरी है आपकी, ठीक है। अब ये क्वेरी कैसे लगाएं, देखिए टोटल फीस ऐड करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, तो ये हो गया जनवरी, ठीक है। बंद करेंगे, प्लस फरवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई, फरवरी हो गया, एम ए आर सी एच, मार्च कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड करके हम एक क्वेरी बना रहे हैं। जरा देखिएगा क्वेरी बनाने के बाद क्या होगा। यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे क्योंकि क्वेरी को रन तो करवाना ही होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च की फीस जोड़ करके यहाँ टोटल फीस आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्च की फीस एंटर नहीं करी गई है तो यहाँ पर टोटल फीस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनवरी और फरवरी की फीस नहीं है लेकिन मार्च की फीस है तो भी टोटल फीस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर फीस डाल देते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन अगर एक भी फील्ड खाली रह जाती है तो कैलकुलेट ही नहीं होता है। तो ये कैलकुलेट हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा आसान है। जो आपने क्वेरी बनाया है उसमें एनजेड लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, एनजेड। तो ये एनजेड फंक्शन जो है ये आप देखेंगे कि कैसे यूज करना है। देखिए यहां पर जो जनवरी है इसके ठीक पहले मैं लगाता हूं एनजेड, एनजेड लगाना है आपको। ये एनजेड लगा दिया और यहां पर कॉमा देके जीरो, कॉमा देके जनवरी के बाद जीरो, ये हो गया। अब फिर फरवरी में भी आपको क्या करना है, एनजेड लगाना है, ठीक है। तो यहां पर एनजेड लगाया और फिर यहां ब्रैकेट ओपन किया और कॉमा देके जीरो कर देंगे। यहां पर भी ऐसे जितना आपको करना है वहां तक कर सकते हैं, लास्ट वाला छोड़ सकते हैं। जैसे मार्च में नहीं करना है तो इसको छोड़ दिया और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया और क्लोज करके ओके किया और ओके करके यहाँ से रन पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे कि सबका टोटल होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।